गुड मॉर्निंग बच्चों, एज यू ऑल नो दैट यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन हु वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम रूट लर्निंग इन द स्कूल. एक्चुअली ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ लर्निंग एंड ही वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज करंट स्कूल. एंड मील वाइल ही हैड ए डिबेट विद हिज हिस्ट्री टीचर, वी कैन से दैट हुज नेम वॉज मिस्टर ब्राउन. नाउ as he came back from his school to his rented room, there he found a lot of sound by that landlady who used to beat her children, and on every Saturday she was beaten by her husband. So she was very bored with her lifestyle. That is why it puts a bad effect on Albert Einstein. Now actually he is not happy with his current room in which he was living just to complete his diploma in his school that was in Munich. Now we will find out what will happen next with him. So I think we must start the chapter. So this is our chapter, and we have discussed up to here. Every Saturday her husband came drunk and beat her. Now this is the second part. Let's start. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri. Yuri उसका दोस्त है. शाम को यूरी उसके पास आता है और वो अपनी प्रॉब्लम यूरी से शेयर करता है. फिर यूरी कहता है, भाई एटलीस्ट तेरे पास खुद का रूम तो है जिसमें तू रह रहा है आराम से, ठीक है ना, मेरे से काफ़ी अच्छा है, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. फिर अल्बर्ट कहता है, अरे भाई कम से कम तू अच्छे सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य ह्यूमन बींग्स के बीच में रहता है, भले ही वो गरीब क्यों ना हो. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सभी सिविलाइज्ड नहीं है, यूरी ने कहा. यूरी रिप्लाइड, यूरी उसका दोस्त है. मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? Duel का मतलब होता है मल्लयुद्ध, हाथापाई. आप क्या तुम नहीं जानते कि पिछले वीक में उनमें से एक को किसी ने मार डाला था, आपस में लड़ रहे थे वो. And what happened to the one who killed him? और उसके साथ क्या हुआ जिसने मारा, जिसने मर्डर किया? Nothing, of course, कुछ नहीं हुआ उसका. He is even proud of it, उसे तो बल्कि इस चीज़ का घमंड है, प्राउड है. He his only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसे तो इस बात का दुख है, जो अथॉरिटी है उन्होंने उसको वार्निंग दी है कि इस अब से, इसके बाद से आप दोबारा इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे. He is upset about this because वह इस चीज़ से लेकर अपसेट है कि he has not a single scar on his face to wear. उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान नहीं है. स्केयर का मतलब होता है घाव का निशान. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर, ताकि उस घाव के निशान के साथ वह पूरी ज़िंदगी सम्मान के साथ जी सके कि हाँ ये निशान मुझे उस टाइम झगड़े से मिला था. उसकी ये सोच है. ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं. वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. यूरी ने कहा, भाई तुम भी एक दिन अच्छे स्टूडेंट बनोगे. आई डाउट इट, मुझे डाउट है, सेड अल्बर्ट ग्लमली. ग्लमली मीन्स उदास होकर के उसने कहा, भाई मुझे तो डाउट है इस चीज़ पर. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा. ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा, कज़न है उसकी एल्सा, चचेरी बहन. द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू मुनिक, नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस. वो उससे मिलने के लिए आती है, उससे भी वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है. क्या कहता है, आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड. अल्बर्ट अगर तुम ट्राई करो तो मुझे पक्का विश्वास है तुम बहुत कुछ सीख सकते हो एग्ज़ाम पास करने के लिए. शी सेड, आई नो लॉट्स ऑफ बॉय हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, जितने स्टूपिड तुम हो तुमसे भी बड़े स्टूपिड मैंने देखे हैं. और ऐसे बहुत से लड़कों को मैं जानती हूँ हु गेट थ्रो, जो पास हो जाते हैं. दे से यू डो नॉट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं जानना. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड
वट यू आर टॉट, और ना ही तुम समझना चाहते जो कुछ भी तुम्हें समझाया जाता है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, जो कुछ भी तुम पढ़ते हो उसे बस एग्जाम में रिपीट ही तो करना है। दैट इज़ द होल ट्रबल, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, सेड अल्बर्ट। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, मैं चीज़ों को याद करने में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होती चीज़ें लर्न। यू डू नॉट नीड टू बी गुड एट ऑल एट इट, सॉरी, एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरेट, यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम तो ट्राई नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म्स, और मैंने हमेशा तुम्हें देखा एक बुक के साथ जिसे तुम अपने बाजुओं में दबा कर रखते हो। एडिड एल्सा ने कहा, वट इज़ द वन यू आर रीडिंग, कौन सी बुक है जिसे तुम पढ़ रहे हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी, जियोलॉजी के ऊपर, जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टाने, दूसरी चीज़ें। डू यू लर्न दैट, क्या तुमने याद किया? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे स्कूल में साइंस पढ़ाई ही नहीं जाती, मुश्किल से साइंस पढ़ाई जाती है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इसे क्यों स्टडी कर रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट ए गुड इनफ रीज़न, क्या ये पर्याप्त रीज़न नहीं है कि मुझे कोई चीज़ पसंद है और मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ? एल्सा साइड, एल्सा ने आह भरी। ओके, यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हारा डिप्लोमा में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, और इस साइंस के अलावा, इस बुक के अलावा, हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक, एक चीज़ और थी जिसमें उसे काफ़ी कम्फर्ट मिलता था, दैट वॉज म्यूजिक, एंड ही प्लेड हिज वॉयलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलॉडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वह लगातार अपना वॉयलिन बजाता था जब तक उसकी मकान मालकिन उसे चुप नहीं करने के, चुप रोकने के लिए नहीं कहती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, शी सेड, वो कहती, तुम्हारा ये रोना जो है ना, मेरे, तुम्हारे इस रोने ने मेरे नाक में दम कर रखा है, तुम्हारे इस रोने ने मेरे नाक में दम कर रखा है। गेट्स ऑन माई आईज, शी सेड, देर इज़ इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस, इस घर में काफ़ी पहले से ही आवाज़ आती है। विद ऑल द किड्स ऑफ हॉलिंग, जो सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे हा हुल्लड़ मचाते हैं। हॉलिंग का मतलब होता है हल्ला करना, और यहाँ पे जियोलॉजी एक साइंस का टर्म है, जियोलॉजी, ठीक है, बायो से रिलेटेड है ये। अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम बाउल, ये कहना चाहता था अल्बर्ट कि तुम ही तो होती हो जिसकी वजह से वो बच्चे इतनी आवाज़ें करते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने ये फैसला किया कि अच्छा होगा कि मैं कुछ भी ना बोलूँ। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन मोनिक, 6 महीने के बाद यहाँ अकेले रहने के बाद। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, अगर मैं इस तरह से जाऊँगा तो बड़ा ही बेकार लगेगा, एब्सर्ड मीन बेकार, भद्दा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, और लास्ट में यही होगा कि मैं अपने पापा के पैसे और सबका टाइम ख़राब करूँगा। इट विल बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, अच्छा यही होगा कि मैं अभी ये स्कूल छोड़ दूँ। एंड देन वट विल यू डू, सेड आस्क्ड यूरी, यूरी ने कहा फिर तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान एक शहर का नाम है वहाँ चला जाता हूँ, आई एम अफ्रेड विद माई फादर विल सेंड मी बैक, तो मुझे डर है मेरे पापा मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लिम्ड विद, तभी अचानक से उसकी आँखें चमक गई। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो हमसे फ्रेंडली हो, जो हमें जानता हो? आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सैड यूरी। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई? उसने कहा, लेकिन तुम डॉक्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? सपोज, अल्बर्ट ने कहा, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मेरी जो दिमाग की नसें हैं वो काम करना बंद कर देती है, सपोज डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब मेरे लिए स्कूल जाना ठीक नहीं है क्योंकि मेरा जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए। आई कांट इमेजिन डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी ने कहा, भाई मैं तो किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं जानता जो जो झूठ बोल दे कि भाई तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम्हें वो सर्टिफाइड कर दे कि तुम्हें रेस्ट की आवश्यकता है, मैं किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं जानता। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट ने कहा, मुझे पक्का ट्राई करना चाहिए टू फाइंड डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व, जो
दिमाग का स्पेशलिस्ट हो। एंड देन एडिट, फिर वो बोला रादर रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, सॉरी, देर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, यूरी टोल्ड हिम। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, देन ही सेड एडिड रादर रिलेक्टेंटली, मीन्स ने चाहते हुए यूरी ने कहा, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक, अगर तुम कहो तो मैं अपने किसी दोस्त से पूछूँ वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानता हो जो तुम्हारी हेल्प कर दे, विल यू, अरे भाई प्लीज़ कर दे यार, थैंक यू यूरी। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखें चमक रही थी। वेट ए मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड वन येट, अभी रुक जाओ कोई मिला नहीं है। ओ बट यू विल, बट मुझे विश्वास है कि तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ आई डोंट, आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, चलो कोई मिल भी गया तो मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए एग्री करेगा या नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है, टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ताकि इससे उसकी उसको और अधिक आसानी हो जाए। ही लाफ्ड मैरिली, वह खुशी खुशी हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, बट मैंने तुम्हें कभी कम परेशान भी नहीं देखा, रिमार्क, ड्यूरी ने एक रिमार्क दिया। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।